अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश आमदीद, मरहबा एंड वेलकम इन ऑल अबाउट लाइफ। आज मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी मुझे सुबह उठते ही सर्दी सी महसूस हुई अभी भी, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं आज ढाबे की माश की दाल। मुर्गी, चिकन और गोश्त वगैरह तो सभी खाते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हाईवे पे ड्राइव करते हुए हम थक जाते हैं एंड वी वांट टू ईट समथिंग वेरी सिंपल, जिससे हमारा पेट भी ख़राब ना हो। तो हम रुकते ही पूछते हैं कि भाई आपके पास कोई दाल है, और जहां बात आती है दाल की तो माश की दाल लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। चले आए, लेट्स स्टार्ट कि हम किस तरह माश की दाल को बनाते हैं बट ढाबा स्टाइल। फॉर दैट वी नीडेड माश की दाल। मैं आपको दिखाती हूँ, ये माश की दाल है, ठीक है। ये माश की दाल मैंने हाफ बॉईल कर लिया, यानी एक कनी इसमें छोड़ दी है ताकि ये एकदम से मैश ना हो जाए। यू कैन सी द लुक, ठीक है। ऑलराइट, और इसके बाद हमें चाहिए, वी नीड ऑयल 1 कप, ठीक है। ये ऑयल है और इसके अंदर मैंने टिप क्या किया है, ये मेरा जाती टिप है कि ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया 1 चम्मच हबीब का घी, बिकॉज उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और मुझे पसंद है। मैं पूरा घी में नहीं बना रही हूँ, मैं इसमें ऑयल एंड घी की कॉम्बिनेशन ले रही हूँ। इट्स अ वेरी डिफरेंट और सुनने में बहुत ही अजीब सा साउंड कर रहा है, बट आई होप आप जब ट्राई करेंगे यू विल डेफिनेटली कमेंट करेंगे मुझे और बताएंगे कि ये कितना अच्छा टिप है। इसके बाद आई नीड जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट है पिसा हुआ, ये मैंने 1 चम्मच ले लिया है। ऑलराइट, अब आ जाइए। इसके बाद आई नीड ये खूबसूरत से लाल लाल टमाटर, 2 अदर टमाटर मैंने इस तरह से काट लिया। आप क्यूब्स में काट सकते हैं, गोल काट सकते हैं, वट एवर द आपको जिस तरह भी पसंद है आप इसे काट सकते हैं। इसके बाद मैंने 3 अदर हरी मिर्च ले ली और इसको बीच से चाक कर दिया है। सी, मैं इसको साबुत नहीं रख रही हूँ, मैं इसको गोल गोल नहीं काट रही हूँ, मैं इस तरह इसलिए रख रही हूँ ताकि इसका जायका भी हरी मिर्च का उसमें आ जाए और ये बहुत ही खूबसूरत लुक भी दे। एंड आई नीड 1 अनियन, ठीक है। ये 1 अनियन मैंने पूरा उठा के इसको इस तरह से मैंने काट दिया, ये स्लाइस नहीं है, ये बहुत मोटे नहीं है, ये इस तरह की इनकी लुक है, ठीक है, और चॉप नहीं किया है मैंने। उसके बाद आई नीड हरा धनिया, एज पर यू नो कि मुझे हरा धनिया बहुत पसंद है और बगैर हरा धनिया के खाना तो बिल्कुल बेमायने ही होता है। इसके बाद ये मैंने एक्स्ट्रा अपने जो है पुदीना पेपरमेंट, ये मुझे इसका जायका और खुशबू बहुत पसंद है, तो मैं इसमें पेपरमेंट डालूंगी और उसकी वाकई ही इसके साथ कॉम्बिनेशन माश की दाल में बहुत मजे की लगेगी, बिकॉज इट्स अ ढाबा स्टाइल। ऑलराइट, नाउ आई टेल यू कि हम इसके अंदर स्पाइसेस कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सिंपल स्पाइस यूज कर रहे हैं हम इसमें, यूज कर रहे हैं सॉल्ट, ठीक है। हमने सॉल्ट ले लिया, ओके। ये गर्म मसाला है, ठीक है। हमने 2 पिंच ऑफ गरम मसाला लिया है, जैसे कि 1/2 टीस्पून जीरा धनिया भुना हुआ। मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बताया था कि जीरा धनिया मैं भून के पीस लेती हूँ, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी मैं इसे, ये आपको 1 चम्मच दिख रहा है, 1 चम्मच नहीं डालना है, विल टेक अ 1 or 2 pinch ऑफ ये हल्दी का। ऑलराइट, ये सिंपल से इसके मसाले हैं जो हर घर में हर वक्त मौजूद होते हैं। इसके बाद आ जाइए तड़का। अगर दाल में तड़का ना हो तो दाल ही बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। दाल में तड़का ही सबसे ज्यादा खुशबू और मजेदार लगती है। उस तड़के के लिए वी नीड अनियन, हमने ये थोड़े से अनियन जो वहां पे काटे थे उसमें से हमने थोड़ा सा निकाले, आप 1/2 अनियन ले सकते हैं, राइट। आधी प्याज ले लीजिए, ये है जीरा, ठीक है, यू कैन सी जीरा, साबुत जीरा है। लहसुन है मेरे पास 2 से 3, आप इसको जो है पूरा लहसुन ही, 2 से 3 उसके जो फाँक होते हैं, स्लाइस होते हैं, आप उसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो, और मुझे भी कमेंट करके बताइएगा उसे क्या कहा जाता है। तो ये 2 से 3 लहसुन की कली बोल दीजिए, ठीक है ना, वही है। और ये है हम इसे कहते हैं बॉम मिर्च अपनी लैंग्वेज में, आई डोंट नो वो आप लोग इसे क्या कहते हैं, ये साबुत लाल मिर्च है गोल गोल, ठीक है। ये हो गया तड़का। इसके बाद इसके बाद जो खुशबू आएगी वो है मक्खन, यानी कि मक्खन, बटर के बगैर तो तड़का बेमायने है, और वो भी ढाबे के माश की दाल हो और मक्खन का तड़का ना हो। वैसे तो सफ़ेद मक्खन बहुत ही यमी लगता है, बट आई एम यूजिंग दिस मार्जरीन मक्खन, और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मक्खन आपका दिल चाहे वो आयल में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, ये थी हमारी सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी, ओके। प्री हीट हमने इसको चूल्हा जला लिया, देखें धीमे आँच हमने किया हुआ है, ठीक है, ज़्यादा फास्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है। एक कढ़ाई, सॉस पैन, खुला बर्तन कोई भी आप इसमें इस्तेमाल कर दें। अब इसमें आपने डालना है ये घी मिला ऑयल, ठीक है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, इट्स 1 कप, ठीक है।
आप इसमें हाफ एंड हाफ वो कर लीजिए, बाद में तेल और घी को आपस के साथ और बाद में इसको वापस से मिलाना, ठीक है। तेल जैसे ही गर्म होगा तो हम क्या करेंगे, अब ये तेल में कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ आ रही है और ये चढ़चढ़ा रहा है, सो हम इसमें डाल देंगे अपने आनियन, ठीक है। ठंडे तेल में हमने नहीं डालना। अब ये इसके अंदर तैरने जा रहा है प्याज, ठीक है। पुदीना भी साथ साथ आना चाह रहा है पर मैं इसको रोकना चाह रही हूँ कि वन बाय वन, प्लीज वन बाय वन, राइट। ओके सो नाउ यू कैन सी द लुक। अब मैं जब इसके अंदर ये चला गया है, आप थोड़ा सा इसको इस तरह से फ्लैट कर दें। अब मैं थोड़ा सा चूल्हा तेज करती हूँ और आज अब आप देख सकते हैं, मैं आपको आँच दिखा देती हूँ। आँच आप देख लीजिए, ये दरमियानी यानी मीडियम आँच अब मैंने कर दी। पहले मैंने नहीं इसलिए की क्योंकि गर्म, जब आँच तेज़ हो, चूल्हा तेज़ हो और उसके अंदर आप सी यू कैन सी द कलर, ठीक है, इट्स ए लाइट गोल्डन, ठीक है। ये काला नहीं हुआ है, ये ज़्यादा लाल नहीं हुआ है, ये हुआ है हल्का सा सुनहरा, हाँ सुनहरा कहते हैं गोल्डन को, राइट, सुनहरा। नाउ अब इसमें ये प्यारे से खूबसूरत टमाटर हम डाल देते हैं। टमाटर हम इसके अंदर डालने के बाद इसको हल्का सा इधर उधर घुमा लेते हैं, राइट, ताकि जहाँ जहाँ प्याज घूम घुमा के आया है दिल के अंदर, टमाटर को शिकायत ना हो कि मुझे नहीं घुमाया, तो हम इसे घुमा लेते हैं। यू कैन सी द कलर, द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट एंड रेड इज ऑलवेज लुक वेरी ब्यूटिफुल, बट ये लाइट गोल्डन एंड यू कैन से लाइट गोल्डन एंड रेड ऑलवेज लुक वेरी ब्यूटिफुल। सी द कॉम्बिनेशन, हमें इसको इतना करना है कि वी हैव टू चम्मच चलाएंगे चलाएंगे एंड भुनेंगे जब तक कि ये आपका टमाटर आधा ऐसा गल जाए, राइट, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा सख्त है बट ये अभी इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। आवाज़ आपको आ रही होगी कड़कड़ 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 कर, सुना आप लोगों ने कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है। और Now it's time to add all the spices जो हमारे पास हैं, जिसके अंदर हमारे पास है ये first I'll start with the salt, ठीक है। ये हमने salt कर दिया add, salt आप आगे पीछे कर सकते हैं, बढ़ा कम कर सकते हैं, because according to your flavor आपको जितना salty चाहिए। मुझे actually salt इतना ज़्यादा नहीं पसंद, because I always like to have a कि सबका जो भी हम ऐड करें उसका फ्लेवर है। अगर आप एक ही मसाले को बहुत ज़्यादा भर देंगे तो आप एक्चुअली जो आप पका रहे हैं वेजिटेबल्स या कोई गोश्त वगैरह बना रहे हैं, कुकर शुकर बना रहे हैं या दाल बना रहे हैं, तो उसका जायका नहीं आएगा। तो इसीलिए उसको उतना रखें जितने उसके जायके की ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी, यू कैन सी इतने सारे हल्दी फैमिली में से मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है, ठीक है। जीरा धनिया मैं कंप्लीट डालूंगी, 1 टेबल स्पून है, मुझे बहुत पसंद है और इसके कोई मतलब ये बहुत ही मज़े का लगता है। गरम मसाला ऐड कर दिया, कुटी हुई लाल मिर्च इसमें इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही मज़ा आता है पिसी हुई लाल मिर्च, जो है वो सालन जैसा लुक देती है। हमें थोड़ा थोड़ा ये खड़े माश की दाल की जो है ढाबे वाली कढ़ाई है, तो इसमें थोड़ा सा कढ़ाई वाला वो आना चाहिए, महसूस होना चाहिए कढ़ाई कढ़ाई जैसा। और ये इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है कि इसको अगर टमाटर का सालन समझ के खा ले टमाटर की कढ़ाई तो भी बड़ी मज़े की लगेगी। बस ये ढाबे की माश की दाल है तो डेफिनेटली वी हैव टू आई हैव टू पुट माश की दाल है, ऑलराइट, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि आधा आधा जो मसाला मैंने डाला है वो कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच मैंने लिया है, 1 टेबल स्पून इज इनफ, राइट। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 टेबल स्पून मिक्स जिंजर गार्लिक, इस मीन्स इसके आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट और आधा चम्मच अदरक का पेस्ट, यानी कि दोनों को मिक्स करने के बाद आपने बनाना है 1 चम्मच, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये मसाला, मैं इसका क्लोजअप कर देती हूँ ताकि आप आराम से इसे क्लोजअप देखें। नाउ सी
ये देख रहे हैं आप, ये इसका तैयार हो गया। ठीक है, मसाले तो मैंने अच्छे से कुक करना है क्योंकि माश की दाल मैंने अच्छा इफ सम किसी को अगर माश की दाल का दो तरह का टिप होता है, एक तो टिप ये है कि जो मैंने किया है माश की दाल को मैंने साफ़ करके चुन के और मैंने इसको जो है ना एक कनी छोड़ के उबाल लिया है। ठीक है, लेकिन अगर कोई चाहता है कि भाई उबालना नहीं है तो इसकी दूसरी टिप ये है कि आप इसे 2 घंटा पानी में भिगो कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे हाथ से चेक कर लीजिएगा कि उसे जैसे ही दबाएँ तो वो उतना टूट जाए। ठीक है, कि आपको लगे कि या ये तड़के में झटपट बनेगा क्योंकि ढाबे में देखिए इतना टाइम नहीं लगता, झटपट ऐसा जाता है लेके ऑर्डर, ऐसा लेके आता है ऑर्डर। ठीक है ना, तो हमको बिल्कुल वैसे ही करना है, हमें किसी को पूरे दिन माश की दाल के पाए का दम नहीं चढ़ाना, हमें जो है हाथ के हाथ बनाना है, हाथ के हाथ बनाना है। ठीक है, नाउ इट्स रेडी, नाउ आई ऐड माश की दाल इन इट। ठीक है, ये आ गई इसमें माश की दाल, ये देखते हैं आप कलर कॉम्बिनेशन, अगेन ऑफ वाइट एंड रेड लुक वेरी ब्यूटीफुल। सेम, अब इसको मैंने घोटना नहीं है चम्मच को, ठीक है ना, मैंने इसको सिर्फ फ्राई के तरह सेम आई हैव टू मिक्स इट, मुझे सिर्फ इसको अच्छे से मिक्स करना है, हिलाना डुलाना है, मुझे इसको घोटा नहीं लगाना वरना ये घुट के दाल बन जाएगी तो वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया सारे मसाले, हर चीज़ आ गए, आप देख सकते हैं टमाटर भी हो गया, सब कुछ हो गया। नाउ इट्स टाइम टू ऐड हरा धनिया एंड पुदीना, ये आ गया आपका पेपरमिंट, मिंट लीव्स, राइट, मिंट लीव्स के साथ आपके आ गए ये हरा धनिया और ये डाल दी मैंने सबसे आखिरी में हरी मिर्ची। अब क्या करना है, अब मैं आपको बताती हूँ, इसको इस तरह करके मैं कर दूंगी फ्लेम को स्लो और मैं इसे दूंगी 2 मिनट का दम। ठीक है, ये लग गया कवर। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज, नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना है, मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट हमने करना है तड़का। ठीक है, तड़के के लिए मैंने एक पैन ले लिया। ओके, तड़के के लिए मैं पैन ले लूंगी। अच्छा, पैन लेने के बाद मैं क्या करूंगी, बड़ा यूनिक सा तरीका है, मैं पहले तड़के की सारी चीज़ें डाल दूंगी। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया ताकि हल्का सा ये देखें, इसमें ज़ीरा है, प्याज है और लाल मिर्च है। ठीक है, बहुत ही अजीब तरीके का तड़का है ये, आपको डिफरेंट लगेगा सबसे कि पहले मैं ये क्यों डाल रही हूँ, और कोई क्योंकि मैं ऑयल और घी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ और मुझे एकदम पका हुआ गला हुआ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे एक्चुअली चाहिए क्या और मुझे ऐसा चाहिए। ठीक है, नाउ आई एम गोना पुट बटर, ऐड बटर। अब मैंने इसमें डाल दिया मक्खन। ठीक है, इसकी हो गई खुशबू दुबाला। ठीक है, अब आप इसको इसके अंदर सब कुछ खुद ही खुद इसमें गल जाएगा। ठीक है, अच्छा उसी दिन में मैं क्या करती हूँ, अच्छा आई मेक श्योर कि मेरा सर्विंग बॉल रेडी हो, थोड़ा सा प्रिंटर देती हूँ यहाँ पे और आपको सर्व करके देखती हूँ कि हाँ आई हैव टू। अच्छा, सर्विंग के लिए मैंने एक हांडी ले ली है। ठीक है, एक छोटी सी हांडी, और अब मैं इसके अंदर ये आप देखो ये किस तरह, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खुशबू है, बहुत ही आला
एक्सेलेंट, लगी नहीं रहा कि मैं बना रही हूँ, बट ये मैं ही बना रही हूँ, ठीक है, और बहुत ही लाइट बना रही हूँ। तो समझ भी नहीं आ रहा कहाँ से शुरू किया कहाँ पे एड किया, ठीक है। नाउ ये रेडी है, ठीक है, ये हो गया तैयार। ये हरी मिर्च आप देख सकते हैं हाफ कुक है, इसको गलाना नहीं है एकदम से, इसको ऐसा रखना है कि दर दरा खूबसूरत सा, और ये हमारी तैयार हो गई दाल, ठीक है। अब मैं आपके सामने इसको निकालती हूँ हांडी के अंदर। जब तक खट 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 ना करें तब तक मज़ा नहीं आता, लगता ही नहीं कुछ पक रहा है। बहुत ही कलरफुल सी, बहुत ही यमी सी, मज़ेदार खुशबू के साथ, और सारे कलर अलग अलग दिख रहे हैं, कोई चीज़ किसी से मर्ज नहीं हुई भी, हर चीज़ आप देख रहे हैं कितने तरतीब से और कितने से, ठीक है। छोटी वाली मिर्च भी निकाल ही लेती हूँ वरना रोएगी, मुझे क्यों छोड़ दिया या मुझे क्यों निकाला, आई डोंट वॉन्ट टू हेयर दिस वन, सो दैट्स वाई। ओके हाँ जी, ये हो गया मेरा तड़का तैयार, और मैं अब आप देखिएगा कि कितनी अच्छी सी इसमें आती है खुशबू, और बिलीव मी बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती आ रही है, और आप इमेजिन कर सकते हैं बटर के तड़के भी कि कैसे खुशबू आती है। Now it's ready to eat and you can see the look, हर चीज़ expose हो रही है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो अलग से हो या बहुत time consuming नहीं है, बहुत ही झटपट बन जाती है। एंड यू कैन सी दिस ज़ीरा, प्याज, तड़का, वॉम मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, और पता नहीं जो जो मैंने डाला है इन्ग्रीडियंट्स, लहसुन का अपना मज़ेदार आ रहा है और बटर का आ रहा है। एंड आई शो यू वन मोर थिंग कि ये जो आप इसके अंदर घी की इस तरह से तरी देख रहे हैं, ये एक्चुअली बटर है, और नाउ अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस वक्त मेरे पेट में कितनी ज़ोरों की भूख लग रही है, इसका खुशबू सूंघकर बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई रेसिपी, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड एक लाइक तो बनता है। और राइट व्यूअर्स, ये थी आज की ढाबे की माश की दाल, एंड आप इसे जरूर ट्राई करें, एंड ट्रस्ट मी यू विल लव इट, यू विल लव दिस रेसिपी। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में। ऑलराइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।